आज भी याद है वो दिन जो पहली बार हम मिले थे। कितनी अजीब बात कही थी ना मैंने उस दिन। फिर 2 दिन बाद जो मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, तो मैंने मैसेज के जरिए तुम्हें बताया था कि आई मिस यू। इस पर तुमने भी बड़े स्मार्टली अंदाज में रिप्लाई किया था कि चलो लगभग 52 आवर्स के बाद तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम भी मुझे मिस कर रही हो। बस कुछ इस तरह हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कभी तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती थी तो कभी मना कर देती, लेकिन मना करने के बावजूद तुम ये बात जानते थे कि प्यार में तुमसे ही करती हूँ, सिर्फ तुमसे। जब तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था तो मैं 2 दिन तक उस फीलिंग्स में खोई रही। हम दोनों कमिटेड हो गए और रिलेशनशिप में आ गए। कितना अच्छा था वो वक्त जब रोज हम एक दूसरे से घंटों बात किया करते थे। स्पेशल ओकेजन में गिफ्ट देना और डेट पर घुमाने ले जाना, सब कुछ कितना स्पेशल था मेरे लिए। लेकिन ये खुशियाँ सिर्फ कुछ ही पल की मेहमान थी। मेरा तुमसे दूर जाना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम ये बात भी जानते हो कि मैं अपनी माँ को कितना प्यार करती हूँ, इसलिए इस रिलेशनशिप से मुझे अलग होना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कभी कभी प्यार को फैमिली की वजह से छोड़ देना सही है, क्योंकि फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं। वो जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, और जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं। लेकिन खुद की फीलिंग्स का क्या, जो किसी को हर रोज मिस करती है। बस उसको कंट्रोल करना हमारे बस में है और कुछ नहीं।